तो दोस्तों आज हम आपके लिए हैं एक ऐसा बिजनेस जिसे ज्वाइन करके आप इसमें अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होने वाली है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको वीडियो में। एमबे बिजनेस, एमबे दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पादों में एक माना जाता है। एमबे आप एक या दो देशों में नहीं बल्कि दोस्तों लगभग 80 देशों में 450 से भी अधिक प्रोडक्ट के द्वारा हमें विश्व के बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहा है। सन 1998 में ये कंपनी भारत आई थी और तब केवल यहाँ पर 6 प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस कर रही थी। देश के कुछ जाने माने लोग ने इस पर विश्वास करे ना करे इससे डरते हुए ज्वाइन किया था। आज वही लोग दोस्तों एमबे से घर बैठे अरबों रुपए कमा रहे हैं और जिन्होंने बाद में किया था वो भी यह बिजनेस से जुड़कर अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आपको बता दूं एमबे ज्वाइन करने में आपका एक पैसा भी नहीं लगता दोस्तों। जी हाँ, तो इसे अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो पहले आप एमबे बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं। आज के वीडियो हम आपको बताने वाले कैसे आप एमबे कंपनी से जुड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी कितनी अर्निंग होने वाली है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किस तरह आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे ही कई सारी चीजों के जवाब आज आपको ए टू जेड इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एमबे बिजनेस दोस्तों, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले उसका प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ हम बात करें एमबे की तो आपको किस तरह से कमीशन देता है, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब आप कोई भी साधारण प्रोडक्ट नॉन एमबे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो किसे इसका कमीशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फैक्ट्री प्रोडक्ट निकलकर रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर स्टॉकिस्ट या थोक व्यापारी से रिटेलर के पास, और इसके बाद दोस्तों आखिरी में आता है ग्राहक यानी कि हम तक ये पहुँचता है। तो दोस्तों ये सबसे छोटी सीढ़ियां, किसी किसी कंपनी में इससे भी ज्यादा लोग होते हैं जो हर स्टेप पर कमीशन लेते हैं और आखिरी में वो प्रोडक्ट आपके पास आता है। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल की बात करें तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि दोस्तों दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके पास बहुत सी कंपनियां दवाई बेचती हैं जिनमें से 60% दवाओं की कीमत एक्चुअल प्राइस से कई गुना ज्यादा होती है। जैसे उनके पास दोस्तों एक खांसी की दवा का उनके बिल में जो रेट होता है वो 8 रुपए होता है और जिसे वो आगे 15 से 20 रुपए में बेच देते हैं, जबकि प्रोडक्ट की MRP 70 के आसपास होती है। मैं कंपनी और अपने फ्रेंड का दोस्तों नाम ले लूंगा क्योंकि मैं सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता। अब आप सोचिए 8 रुपए में आने वाला प्रोडक्ट हमें 70 रुपए में मिलता है, या यूं कहें लगभग 10 गुना मुनाफा, जबकि एमबे में ऐसा नहीं है। एमबे के प्रोडक्ट खरीदने पर उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ABO ही होता है, उससे हर स्टेट तक प्रोडक्ट स्टोर करने और बेचने का अधिकार होता है। एमबे ABO ग्राहक, आप यहाँ पर दो तरीकों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 8 रुपए में फैक्ट्री से निकला जिसमें कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा और टैक्स जुड़ा है तो वो कितने की तैयार हो रही है और इतने कम पैसों में तैयार होने वाला उत्पाद किस गुणवत्ता का होगा, जबकि एमबे ABO को इस फिक्स कमीशन देता है जो कि 8% है। आगे जो भी इसका इनकम होती है वो अपने जुड़े हुए दूसरे ABO के परफॉर्म करने पर होता है। चलिए अब एमबे से मिलने वाले कमीशन की बात करते हैं। एमबे ABO की परफॉर्मेंस PV और GPV पर डिपेंड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये PV और GPV क्या होता है। PV का मतलब होता है दोस्तों प्रोडक्ट वैल्यू, का मतलब है कि एक प्रोडक्ट जिसकी कुछ MRP है वह कितनी वैल्यू रखता है। एमबे के बिजनेस प्लान के हिसाब से मौजूदा समय में 96 रुपए की 1 PV मिलता है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 960 रुपए है तो आपको 10 PV मिलेंगे। इस प्रोडक्ट वैल्यू के हिसाब से ही एमबे ने अपना कमीशन लेवल सेट कर रखा है। सही से समझने के लिए इसे आगे चार्ट को आपको ध्यान से समझें। 1 सितंबर 2019 से एमबे ने अपने कस्टमर को और अधिक कमाने के लिए अपने कमीशन लेवल में सुधार किया है, जहां आपके लिए कुछ कमीशन लेवल की एक टेबल बनी दिखाई देगी। कमीशन PV मतलब कि दोस्तों 3% का यहां पे 200 रुपए, 6% का 600 रुपए, 9% का 1200 रुपए और 12% का 2400 रुपए, वहीं 15% का 4000, 18% का 7000 और 21% का यहां पर हो जाता है दोस्तों 10000। यह चार्ट महीने और पूरे साल के इकट्ठे होने वाले PV पर आधारित कमीशन को बताता है। GPV को ग्रुप प्रोडक्ट वैल्यू कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपसे जुड़े हुए ABO जितने PV कमाते हैं उसका डिफरेंटियल कमीशन भी जोड़ा जाता है, जिसे आगे उदाहरण से आपको समझाएंगे। BV बिजनेस वैल्यू, जिस तरह से PV होता है ठीक उसी तरह से BV होता है। BV को बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है। कहीं आप सोचो हमारी BV तो आप कितना कमीशन कमाएंगे, ये BV पर ही डिपेंड करता है। एमबे के आज के नियम के हिसाब से 1 BV 80 रुपए,
पहले जो 76 था जीएसटी के आने के बाद 80 कर दिया गया है, जिससे कि एबीओ को घाटा न हो के बराबर है। चलिए अब ये देखते हैं कि हम हर महीने की कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट एबीओ कमीशन, अगर आप एक एबीओ मतलब कि दोस्तों एमडी बिजनेस ओनर है तो आपको कई तरह से कमीशन कमाने का मौका मिलता है। अगर आप एबीओ हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले होलसेल कमीशन दिया जाता है जो कि मौजूदा समय में 8% है, यानी कि एमआरपी पर आपको पहले से ही 4-8% कम रेट पर प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको जीएसटी के आ जाने पर 4-7% कर दिया गया है जो कि पहले 8% था। तो कमीशन जोड़ने के लिए हमें इसे 5% एवरेज मानकर चलेंगे, क्योंकि इसके अलावा फिर आप पीछे बताए गए चार्ट के हिसाब से जितने भी कमाते हैं तो उसका कमीशन अगले महीने की 15 तारीख को आपके बैंक के खाते में एमबे द्वारा भेजा जाता है। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जीएसटी आने के बाद में दोस्तों एमबे ने अपने बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें कि एक कैशबैक को जो जोड़ा गया है, जो एबीओ महीने में 100 पीवी या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट खुद खरीदेंगे उन्हें 7% का कैशबैक दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जीएसटी आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में कमी की गई है, जिससे एबीओ को कोई भी घाटा न हो सके। तो इस तरह से देखा जाए तो जीएसटी आने के बाद से एबीओ को फायदा ही हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए इस महीने आपने 100 बीवी के प्रोडक्ट खरीद के खुद इस्तेमाल किए या बेचे तो आपको कितना फायदा होता है, इसे जोड़ते हैं। जैसे कि हमने पिछले आपको बताया चार्ट के हिसाब से आप 6% लेवल पर हैं तो आपको अगले महीने 15 तारीख को आपके बैंक के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। जब आप इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं तब आपको होलसेल डिस्काउंट पहले से ही मिल जाता है जो कि 8% रहता है। होलसेल डिस्काउंट 5%, 100 पीवी मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 5% बराबर 400 रुपए। इसी तरह दोस्तों कैशबैक डिस्काउंट भी आप देख सकते हैं 7%, फिर 100 पीवी फिर 80 मल्टीप्लाई 7% से तो 560 रुपए होते हैं। ऐसे ही मंथली कमीशन 6% के और टोटल यहाँ पर हो जाता है दोस्तों आपका 1416 रुपए। ये आपकी वो कमीशन है जिसमें आप मेहनत करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एमवे आपको एक तरह से और कमाने का मौका देता है, जिसे कहते हैं दोस्तों डिफरेंट कमर्शियल। मतलब कि दोस्तों जब आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को एमवे के साथ जोड़ते हैं, या ये कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति एमवे का मेंबर आपको एबीओ नंबर से बने तो वह आपसे जुड़ जाता है, और जब भी वह कोई खरीदारी करता है तो उसका भी कमीशन आपको दिया जाता है। ऐसी कमीशन को दोस्तों कहते हैं डिफरेंशियल कमीशन कहा जाता है। अब यहाँ से डिफरेंशियल कमीशन भी जुड़ जाती है। चलिए मानते हैं कि आपने 5 मेंबर को एमबे के साथ जोड़ा और आपके फ्रेंड ने भी यहाँ पर 100 पीवी के प्रोडक्ट खरीद कर या तो बेचे या फिर खुद इस्तेमाल किए। अब आपके यहाँ पर हुए हैं 100 पीवी हुए हैं और आपके जी पीवी हुए हैं 600, तो 600 पीवी कमाने पर आप 9% लेवल पर हुए। डिफरेंशियल कमीशन को निकालने के लिए आप अपने जीपीवी लेवल और खुद के लेवल से घटा देंगे तो ये आपको डिफरेंशियल कमीशन बता देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका कितना कमीशन हुआ। होलसेल डिस्काउंट 8%, 100 पीवी मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 5% बराबर यहाँ पर होते 400 रुपए। इसका दोस्तों आपके कैशबैक डिस्काउंट देख लीजिए, मंथली कमीशन देख लीजिए, और वहीं आपका लास्ट में आता है दोस्तों डिफरेंशियल कमीशन। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल हो जाता है आपका कमीशन 2880 रुपए। तो डिफरेंशियल कमीशन जो आपने अभी निकाला है वो केवल 1 लाख का है। अगर आपके नीचे 3 लाख है तो आपको यही डिफरेंशियल कमीशन 3 लाख से मिलेगी। इस तरह से आपके यहाँ पे जितने भी एबीओ आप बनाएंगे आपको उतना ही अधिक फायदा होगा। इसकी मंथली परफॉर्मेंस के आधार पर ही एमबे आपको यहाँ पे सिल्वर गोल्ड मेडल प्लेटिनियम एमरोल्ड और डायमंड मेंबर यहाँ पर घोषित करती है। आप इन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, और अगर आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे एमबे ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसकी जानकारी हमें देकर एमबे के सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे खुद प्रोडक्ट ऑर्डर करके देकर फायदा कमा सकते हैं, या आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें प्रोडक्ट के ऑर्डर दे सकते हैं, एमबे के द्वारा उस प्रोडक्ट को आप तक यहाँ पर भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी वीडियो कैसे आप एमबे के साथ यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ये फैसला आपका है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों इससे जुड़ा हुआ कोई भी रिलेटेड सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।